जनाब स्पीकर, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो हमें दरपेश है, वो है कि जस्ट मिनट, इन टू मिनट जनाब स्पीकर, जिस तरह सिद्दीकी साहब ने कहा कि पशीन में वाकिया हुआ और दिया फ्लोर, आपको मैंने आखिर में देने, ठीक है आपको आखिर में दे देंगे, आप वो उनकी आप मर्जी दोनों बैठ जाए अपना जेरे से, मेरे ख्याल में जीरो ओवर्स कर लेंगे कार्रवाई को बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, ऐसा है कि पशीन में वाकिया हुआ, नायब तहसीलदार मालिक तरीन साहब पे हमला हुआ, और उससे पहले चमन में वाकिया हुआ, किला सैफुल्ला में हुआ, लोरलाई में अभी एक हफ्ते से मुसलसल वाकियात जारी है, वाकिया हुआ एफ सी के उस पर, उसके बाद एफ सी ने वहाँ रिसाला लैन से लोगों को बेदखल करने की, उन्होंने वहाँ नोटिस जारी किए, कल एक दूसरा वाकया हुआ है, आज फिर एक वहाँ एक सामाजिक कारकुन पे हमला हुआ जो शायद शहीद हुआ है। तो ये सूरत-ए-हाल है, बड़ी गंभीर है, जो हमारा जो नुक्ता है, जो पश्तून इलाके है, वो अमन अमान के हवाले से वहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं, और हमें वो है कि जिस तरह फाटा में हुआ, खैबर पश्तूनख्वा में हुआ, अब वो हालत जो है ना यहाँ पर हमें, हम पे मुसलत किया जा रहा है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हवाले से आप फौरी तौर पर हंगामी हालात में मीटिंग करें, हमें भी बुलाए, इन कैमरा मुसलत कोई नहीं करता है, हालात खराब है, मिलके गवर्नमेंट अपोजिशन मिलके हालात सही करें, इस बारे में आप फौरी तौर पर इकदाम उठाए, मिनिस्ट्री को, वजारत जी, अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं।